वेलकम टू एजू सीकर। इस वीडियो में हम इंडिया चाइना रिलेशंस को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया चाइना के हिस्टोरिकल टाइज से। इंडिया चाइना वर्ल्ड के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक हैं। दोनों रीजन्स में हजारों साल पुराने कल्चरल इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे चाइनीज स्कॉलर्स फाहीन हुआनसांग का इंडिया विजिट करना और इंडियन स्कॉलर्स बोधि धर्मा का चाइना जाना। इंडिया की इंडिपेंडेंस और कम्युनिस्ट चाइना का एस्टैब्लिशमेंट आसपास ही होता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना का एस्टैब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1949 में पेकिंग, जिसे अब बेजिंग प्रोनाउंस किया जाता है, वहां होता है। इंडिया ने चाइना को एक लेजिटिमेट एक्टर नेशन स्टेट की तरह 30 दिसंबर 1949 में ही रिकग्नाइज कर लिया था। टिबेट और चाइना के इश्यूज, दलाई लामा का इशू और उसका इंडिया और चाइना रिलेशंस पे इम्पैक्ट समझने के लिए टिबेट का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। टिबेट इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। उसकी यूनिक लोकेशन की वजह से टिबेट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की छत भी कहा जाता है। टिबेट की हिस्ट्री काफी कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड रही है। कुछ पीरियड्स में टिबेट एक इंडिपेंडेंट रीजन रहा है और कुछ पीरियड्स में टिबेट पर चाइनीज या मंगोल रूलर्स ने रूल किया है। बुद्धिज्म का टिबेट में एक सेंट्रल रोल है। टिबेट के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और टिबेट का पॉलिटिकल सिस्टम भी बुद्धिज्म पे बेस्ड था। टिबेट के धर्म गुरु दलाई लामा टिबेट के पॉलिटिकल हेड भी हुआ करते थे। अब समझते हैं टिबेट का जो क्वेश्चन है वो इंडिया चाइना रिलेशन में कैसे प्ले करता है। 1950 में चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि टिबेट को लिबरेट करना, आजादी दिलाना चाइना की आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ड्यूटी है। इंडिया चाइना से इस अनाउंसमेंट पर क्लैरिफिकेशन मांगता है। चाइनीज क्लैरिफाई करते हैं कि टिबेट को लिबरेट करना चाइना का धर्म है। चाइनीज इंडिया को अश्योर करते हैं कि वो फोर्स यूज नहीं करेंगे और बातचीत से टिबेट पर विक्ट्री हासिल करेंगे। पर अक्टूबर 1950 में इसका उल्टा होता है। चाइनीज टिबेट में फोर्सफुली इन्वेजन कर देते हैं। इंडिया इस इन्वेजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, पर चाइनीज इंडिया के इस क्रिटिसिज्म को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल बेस्ड होती है। इंडिया नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल पीस जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स से इंस्पायर होके इंडिया टिबेट चाइना के रिलेशंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता और चाइना टिबेट के रिलेशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे नहीं पड़ने देना चाहता। इस सब का, ये सारे प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट 29 अप्रैल 1954 की ट्रीटी में दिखता है। इस अग्रीमेंट में ये मेजर चीजें होती हैं। वैसे ये एक ट्रेड अग्रीमेंट होता है, पर इस अग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये हैं। इस अग्रीमेंट में इंडिया टिबेट को चाइना का पार्ट मान लेता है, टिबेट पर चाइना की सॉवरेंटी रिकॉग्नाइज कर लेता है। इंडिया के टिबेट पर कुछ हिस्टोरिकल राइट्स होते हैं, जैसे कुछ लोकेशन पे ट्रूप्स को स्टेशन करना और कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करना। इंडिया ये दोनों राइट्स गिव अप कर देता है। पंचशील के जो फेमस प्रिंसिपल्स हैं वो भी इसी अग्रीमेंट का पार्ट होते हैं, जो वीडियो में आगे डिस्क्राइब किए हैं। इस अग्रीमेंट के बाद चाइनीज लीडर की इंडिया और इंडियन लीडर्स की चाइना में विजिट होती है। 1954 से 1959 जो इस अग्रीमेंट के बाद का पीरियड है, उसी पीरियड को हिंदी चीनी भाई भाई या फिर साइनो इंडियन रिलेशन का हनीमून पीरियड भी कहते हैं। इंडिया चाइना रिलेशनशिप को साइनो इंडियन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। टिबेट का कल्चर, सोसाइटी चाइना से अलग थी और टिबेट के लोग चाइनीज डोमिनेशन के अगेंस्ट थे। 1959 में टिबेट के लोग चाइना के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। चाइना का उनके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। लासा जो टिबेट का कैपिटल है, वहां
तिब्बत के लोग और चाइनीज मिलिट्री फोर्स में वायलेंट रिवॉल्ट हो जाती है। 1959 के रिवॉल्ट्स के बाद दलाई लामा, जो तिब्बत के पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, वो तिब्बत छोड़ के इंडिया में असाइलम यानी शरण ले लेते हैं, और तब से दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स इंडिया में ही रह रहे हैं। चाइना को इंडिया का ये स्टेप बिल्कुल सही नहीं लगता। वो इसे एक एनिमी लाइक एक्ट डिस्क्राइब करता है और इंडिया पे चाइना के इंटरनल मैटर्स और एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी होने के चार्जेस लगाता है। दलाई लामा का इशू इंडिया चाइना रिलेशंस में मेजर एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशंस में थोड़ी बिटरनेस, कड़वाहट आ जाती है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया चाइना रिलेशंस के सेंट्रल सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब समझते हैं इंडिया चाइना में बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट्स, मिलिट्री फेस ऑफ्स क्यों होते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है, वो कभी भी डिमार्केट नहीं हुआ। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में कोई क्लियर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है बॉर्डर को लेकर। इंडिया चाइना अपने अपने ओपिनियंस रखता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। कुछ लोकेशंस पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सीरियस हैं, जैसे लद्दाख में, अक्साई चीन वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश में। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की शुरुआत 1958 में होती है। इस साल चाइना खुद के कुछ मैप्स पब्लिश करता है। इन मैप्स में चाइना काफी सारे इंडिया के टेरिटरीज को चाइना का पार्ट शो करता है। जैसे 36,000 स्क्वायर माइल्स की इंडियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट में चाइना क्लेम करता है और 12,000 स्क्वायर माइल्स की इंडियन टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट में चाइना क्लेम करता है। जब इंडिया इन मैप्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है तो चाइना कहता है कि ये पुराने मैप्स हैं, चाइना को टाइम नहीं मिला नए सर्वेस कंडक्ट करने का। जो सबसे सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन्हें समझते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता है। तवंग जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसे चाइना सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। इसीलिए चाइना ने आज तक अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट नहीं माना है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 का एम नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत के बॉर्डर डिफरेंसेस को सॉल्व करना था। कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश इंडिया, चाइना, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने एक बाउंड्री सजेस्ट की, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस में तीनों मेंबर्स ने मैकमोहन लाइन को बाउंड्री मान लेते हैं। वहां पे एक कॉन्सेंसस हो जाती है, पर कम्युनिस्ट चाइना की गवर्नमेंट इस ट्रीटी को नहीं रेटिफाई करती है और चाइना इसे इंपीरियलिस्ट एरा के अग्रीमेंट मानती है। मैकमोहन लाइन को चाइना इसीलिए रिजेक्ट करती है। दूसरी तरफ इंडिया मैकमोहन लाइन को एक वैलिड लेजिटिमेट बॉर्डर मानती है। मैकमोहन लाइन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है और वो पीछे मैप में दिखाया था। दूसरा डिस्प्यूट लद्दाख के अक्साई चीन रीजन का है। अरुणाचल के केस में ब्रिटिश रूलर्स ने मैकमोहन लाइन का सोल्यूशन प्रेजेंट करा, पर लद्दाख में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है। लद्दाख और चाइना के बॉर्डर पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने दो अलग अलग बॉर्डर्स प्रपोज करे थे, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन कहती है कि अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है। दूसरी तरफ मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बताती है। इसीलिए इंडिया जॉनसन लाइन को और चाइना मैकडोनल्ड लाइन को लेजिटिमेट मानती है। आपको मैकडोनल्ड लाइन और मैकमोहन लाइन का डिफरेंस ध्यान रखना है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से इंडिया और चाइना में एक वॉर और काफी सारे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुए हैं। 1962 का वॉर चाइना ने प्रवोक या उकसाया था। सितंबर 8, 1962 में चाइना के ट्रूप्स नेफा रीजन में मैकमोहन लाइन क्रॉस करके इंडिया में एंटर कर जाते हैं। अक्टूबर 1962 नेफा नॉर्थ ईस्ट, जो अभी नॉर्थ ईस्ट, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और
लद्दाख के सेक्टर में चाइनीज एक मैसिव अटैक लॉन्च कर देते हैं। ये दोनों वो जगह हैं जहां पे चाइना इंडिया की टेरिटरी को क्लेम करते हैं। इस वॉर में चाइनीज आर्मी लद्दाख के अक्साई चीन रीजन को कैप्चर कर लेती है। इस वॉर के बाद अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। इतने सीरियस वॉर के बाद भी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वॉर को फॉर्मली प्रोक्लेम या फिर डिक्लेयर नहीं किया जाता है और डिप्लोमेटिक मिशंस दोनों देशों में ओपन रहते हैं। रीसेंट टाइम्स में ये कुछ जगह हैं जहां पे इंडिया और चाइना के ट्रूप्स में झड़प हुई है, स्टैंड ऑफ हुए हैं। डोकलाम का स्टैंड ऑफ 2017 में 2017 में हुआ था और ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। अब सिक्किम के इशू पे आते हैं। 1975 में सिक्किम के लोग ट्रेडिशनल चोग्याल के इंस्टीट्यूशन के अबॉलिश की मांग करते हैं और इंडिया का पार्ट बनने की डिमांड एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बन जाता है। चाइना इस इंसिडेंट पे शार्पली रिएक्ट करता है और इंडिया पे एक्सपेंजनिस्ट यानी आसपास की छोटी छोटी टेरिटरीज को कैप्चर करने के आरोप लगाता है। चाइना 1975 से 2005 तक सिक्किम को इंडिया का पार्ट नहीं मानता है। फाइनली चाइना 2006 में सिक्किम को इंडिया का पार्ट मान लेता है। अब आते हैं इकोनॉमिक टाइज पे। 1958 से लेके 2021 यानी अभी तक बॉर्डर के प्रॉब्लम्स इंडिया चाइना रिलेशन के सबसे बड़े इश्यूज रहे हैं। बॉर्डर के प्रॉब्लम सॉवरेंटी और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होते हैं, खासकर अगर वो प्रॉब्लम दो जायंट कंट्रीज के बीच में हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज को अपने नेबर्स से डील करना ही पड़ता है, आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो चाइना ने 1970s 80s के आसपास ये प्रपोज किया कि थोड़े टाइम के लिए बॉर्डर के इश्यूज को साइड में रख देते हैं और दूसरे एरियाज जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक और दूसरे एरियाज, वहां पे इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर सकते हैं। इंडियन लीडरशिप ने इससे शुरू में डिसएग्री किया। बॉर्डर इश्यूज को साइडलाइन करना इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं था, पर बाद में इंडिया ने इस प्रपोजल को जनरली अग्री कर दिया। 2019 में अगर आप देखो तो इंडिया और चाइना का 92 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चाइना ट्रेड को डोमिनेट करता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हैं और चाइना के इंपोर्ट्स काफ़ी, चाइना से इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उसी का रिजल्ट 60 बिलियन US डॉलर्स का ईयरली ट्रेड डेफिसिट है। अब हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप के कुछ और इम्पोर्टेंट इशूज पे आते हैं। चाइना के ग्लोबल हेजेमन बनने के एम्बिशंस हैं और वो इंडिया को अपना एशियन कॉम्पिटिटर मानता है और उसका रिफ्लेक्शन इन इश्यूज में दिखता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एक नॉन प्रोलिफरेशन मैकेनिज्म है। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वेपन्स की रीच को लिमिट करना। NSG न्यूक्लियर मटेरियल को रेगुलेट करना चाहता है ताकि नई कंट्रीज जिनके पास अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना क्रिएट कर सकें। NSG के 48 मेंबर्स हैं जिसमें चाइना भी एक मेंबर है। इंडिया NSG का मेंबर नहीं है। 2016 में इंडिया ने NSG की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, पर चाइना ने इंडिया की मेंबरशिप रिक्वेस्ट को रिपीटेडली ब्लॉक किया है। चाइना का आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT को साइन नहीं किया था और NPT को साइन किए बिना इंडिया NSG का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा इशू है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है जो ग्लोबली 70 कंट्रीज में फैला हुआ है और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की ग्वादर सिटी और चाइना के जिंजियांग प्रोविंस को लिंक करना है। इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे सवाल उठाए हैं और इंडिया का ऑब्जेक्शन ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
से पास होता है और ये इंडिया की सॉवरेंटी को वॉयलेट करता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना का स्ट्रैटेजी है इंडियन ओशन रीजन में और दूसरे ओशन रूट्स में चाइना का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना इस पॉलिसी से इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में एनसर्कल करना चाहता है। चाइना ने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे सी पोर्ट कंस्ट्रक्ट करे हुए हैं, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी लिंक्ड हैं। एक पोर्ट जैसे इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, दूसरा इंडिया के साउथ में है श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, और तीसरा पोर्ट म्यांमार में है जिसका नाम है क्योक्पियु पोर्ट। इंडिया ने रीसेंट टाइम्स में इंडियन ओशन रीजन में और इंडियन ओशन रीजन के बियॉन्ड कुछ कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन करे हुए हैं जो डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा गया है और इसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का काउंटर कहा गया है। पर इंडिया का इनिशिएटिव काफी कॉमन है और अभी एक इनिशियल विजुअल स्टेज में है, जैसे जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, रेसिप्रोकल विजिट्स बाय मिलिट्री डेलीगेशन, ये सारी चीजें इंडिया काफी सारी दूसरी कंट्रीज के साथ करता है और ये काफी कॉमन है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो फैंसी नाम है जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड, इंडिया चाइना के ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट या फिर उनकी गवर्नमेंट्स ये नाम नहीं देती हैं, ये नाम कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स कॉइन करते हैं। UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे चाइना की पाम एंड फाइव फिंगर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा था। इसी थ्योरी के चलते चाइना अरुणाचल और लद्दाख पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है। इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट ए एंड बी है। यहाँ पे जो पाम है वो टिबेट है और जो पांच फिंगर्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, भूटान और नेपाल हैं। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है चाइना और इंडिया के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। वैसे तो ये अग्रीमेंट अलग अलग समय पे साइन हुए हैं पर यहाँ पे ईज के लिए मैंने वो सारे एग्रीमेंट्स को यहाँ पे क्लब करके लिख दिया है। पंचशील अग्रीमेंट, 29 अप्रैल 1954 की ट्रीटी जो इंडिया और चाइना में ट्रिबेट को टिबेट पर ट्रेड को लेके होती है उसका पार्ट होता है। पंचशील के पांच प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, मतलब इंडिया चाइना की पॉलिटिकल बाउंड्रीज और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेगा और चाइना इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पॉलिटिकल बॉर्डर्स का रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब मिलिट्री डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना। बाकी ये तीन प्रिंसिपल्स काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना, पीसफुली को एग्जिस्ट करना और इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरा मेजर अग्रीमेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अग्रीमेंट ऑफ 1996। इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और 1962 के वॉर के बाद दोनों देशों में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। दोनों देश के लीडर्स और सिटीजन्स रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। चाइना इंडिया इतने बड़े देश हैं और नेबर्स हैं और एक ग्लोबल वर्ल्ड में दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा समय के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, तो रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, ट्रस्ट इश्यूज को रेक्टिफाई करने के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आर्म्स मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एग्री करते हैं। यहाँ पे दोनों देश काफी सारे हैवी आर्म्स जैसे कि टैंक्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और दूसरे कई सारे स्ट्रॉन्ग वेपन्स का यूज LAC पर लिमिट कर देते हैं, जिससे बॉर्डर पर टेंशन का माहौल कम हो जाए। लास्ट अग्रीमेंट है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। क्योंकि इंडिया चाइना की रिलेशनशिप बॉर्डर इश्यूज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है,
इसीलिए दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बॉर्डर इश्यूज पर इंडिया चाइना ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म साइन किया है। इसमें बॉर्डर का पॉलिटिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। ये इनिशिएटिव 2003 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाइना में विजिट करी थी तब लिया गया था। यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस बॉर्डर का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है। शुरुआत में इंडिया ने ब्रजेश मिश्रा को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा था और चाइना ने डाई बिंगू को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा था। ये रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के वो इसके स्पेशल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और 2003 से टिल डेट तक अभी तक 22 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, पर बॉर्डर का कोई भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी तक दोनों कंट्रीज नहीं निकाल पाई हैं।